पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेवाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधार माश्रयेऽभीष्टसिद्धये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा, ज्ञान के साधन है श्रवण मनन निध्यासन समाधि। उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा वेदांत का श्रवण करना चाहिए। वेदांत का श्रवण करना चाहिए। उपक्रम उपसंहार बता दिया। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फूलम फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो ये है श्रवण। उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य एक अद्वैत ब्रह्म में है ऐसा निश्चय, ये हो गया श्रवण। वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यवसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धीः श्रवणम् भवेत्। ये श्रवण होता है। तो श्रवण करने से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है, क्योंकि संशय रहता है ना कि वेदांत वाक्य का तात्पर्य किसमें है, अद्वैत ब्रह्म में है कि कर्म में है कि उपासना में है, ये संशय बना रहता है। उस संशय की निवृत्ति श्रवण से होती है। लेकिन जो प्रमेय वस्तु है अद्वैत ब्रह्मा, उसमें संशय बना रहता है। वो ब्रह्मा अद्वैत तो कैसे होगा, सारा संसार तो दिखाई दे रहा है, संसार तो सत्य है कि नहीं भाई। आ कहते ब्रह्मा अद्वैत है, ये कैसे होगा, फिर मनन करना पड़ता है। युक्त्या संभावितत्व अनुसंधान मननम भवेत्। युक्ति के द्वारा अनुसंधान करना है कि ब्रह्म अद्वैत है, क्योंकि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् स्वप्नवत्। स्वप्न का पदार्थ दृश्य होने से जैसे मिथ्या है, जागृत का पदार्थ भी दृश्य होने से मिथ्या होगा, है कि नहीं। ये होता है मनन। तो मनन से प्रमेयगत संशय की निवृत्ति होती है। जगत दिखने पर भी सत्य नहीं है, मिथ्या है, इसलिए ब्रह्मा अद्वैत संभव है ना, ये मनन। लेकिन मनन से अद्वैत ब्रह्मा संभावित तो है, लेकिन मैं कहने से ये भी आ जाता है। मैं तुम कौन हो, झट से बोलता मैं, शरीर को मैं मान ले, विपरीत भावना। ये विपरीत भावना की निवृत्ति निध्यासन से होती है। निध्यासन से होती है, ठीक है ना। तो यही है ताभ्याम निर्विचिकित्स्य अर्थे चेतसा स्थापितस्य यत्।
एकतानत्वम एतद्धि निधिध्यासनम उच्यते। पंचदशी में कहा गया श्रवण मनन के द्वारा जो संशय की निवृत्ति होती है, फिर उसके बाद जो ब्रह्माकार जो वृत्ति होती है, एकतानत्वम, एक ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति रहे, वृत्ति का प्रभाव हो, तो ये होता है निध्यासन, है ना। ये निध्यासन को यहाँ पर बता दिया। और निध्यासन करते करते फिर समाधि होती है ना। क्या होती है? समाधि होती है। ठीक है, समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल समाधि और एक निर्विकल समाधि। तो सविकल समाधि में क्या है, त्रिपुटी रहती है ना, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, उसका भी ध्येय, ज्ञाता और ज्ञान, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ध्येय, जिसका तुम ध्यान करोगे वो क्या होगा, ध्येय। आ तुम ध्यान करने वाले हो तो तुम क्या हो गए, ध्याता। और क्या कर रहे हो, ध्यान, तो तीन हो गए कि नहीं, ध्याता ध्यान और ध्येय। जिस परमात्मा का ध्यान करोगे वो होगा ध्येय, और तुम ध्यान करने वाले तुम क्या हो गए, ध्याता। और क्या कर रहे हो, ध्यान, ध्यान है क्रिया, त्रिपुटी, इसको बोलते हैं त्रिपुटी, है कि नहीं। इसको ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय, ब्रह्म हो जाएगा ज्ञेय, तुम हो जाएगा ज्ञाता और ज्ञान क्रिया, है ना। तो यहाँ पर सविकल समाधि में क्या है, यह त्रिपुटी त्रिपुटी रहती है, ज्ञात्री ज्ञानादि पुस्तक देखो मिला, सविकल्पो नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लया अनपेक्षया, नहीं मिला, संभव मिला, कहाँ मिला ना, हाँ वही सविकल्पो नाम, सविकल्पो को नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लया अनपेक्षया, ज्ञाता ज्ञानादि जो विकल्प होता है ना त्रिपुटी, उसका लय की अपेक्षा ना कर, क्यों लय नहीं होता है, त्रिपुटी रहती है, त्रिपुटी रहती है। हैं, फिर भी अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितया चित्तवृत्ति अवस्थान, फिर भी अद्वितीय ब्रह्म को विषय करने वाली चित्त की वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। श्रवण ठीक ठीक से करे, विचार करे, मनन करे, तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है ना। ब्रह्म अद्वित है, ऐसी वृत्ति होती है। ये कैसे भाई, ये त्रिपुटी भी हो और अद्वैत ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति भी हो, ये कैसे। कल विचार आया, तदा देखो मृतमय गजादि भाने अपि मृत भानवत, जैसे मिट्टी से बना है हाथी, मिट्टी से बना है हाथी घोड़ा, और घोड़े के ऊपर भी बैठा दिया एक ठो, हाथी के ऊपर भी बैठा दिया, मिट्टी से बना है, चाहे मिट्टी से कुछ भी बने, और मिट्टी से भिन्न है कि मिट्टी से, मिट्टी ही है, मिट्टी है, तो भान होता है कि नहीं। हाथी जैसा दिखने पर भी, हाथी एक नाम हो गया, हाथी एक रूप हो गया, मिट्टी से बना हुआ, लेकिन तुमको भान तो होता है तो ये सब क्या है, मिट्टी है, सब क्या है, मिट्टी है। मिट्टी कितने हैं, एक ही तो है, मिट्टी है अद्वैत, और हाथी नाम रूप ये जो दिखाई दे रहा है वो हो गया द्वैत। तो दो बुद्धि हो रही है कि नहीं, द्वैत बुद्धि भी हो रही है और अद्वैत बुद्धि भी, ये रहस्य है वेदांत का, है कि नहीं। हाँ, इसी प्रकार चीनी से बनी हुई तमाम प्रकार की खिलौने हैं, चीनी दीपावली के समय बनाते कि नहीं, हैं, चीनी से बनी हुई मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है और चूहे की मूर्ति है, चूहा चूहा वाहन बालक गया हलवाई के पास, दुकान वाले के पास, बोल दिया भाई दो ठो गणेश दे दो, दो ठो गणेश दे दो, और फिर बोल दिया दो ठो चूहा भी दे दो, वाहन गणेश तो फिर पूछा कि कैसे, बोले 200 रुपये, कितने हैं, 200, ये 200 कैसे, बोले दो ठो गणेश लिए, 50 50 के 100 हो गए, लेकिन और चूहा, चूहा भी 100 रुपये,
बच्चे को बोला ये गणेश भी जैसा, गणेश भी 100 रुपये का है और चूहा भी 100 रुपये का, ये कैसे दोनों समान कैसे हुआ, है कि नहीं, दोनों समान कैसे हो गया। तो हलवाई ने कहा देखो ये भी आधा किलो का है, ये भी आधा किलो का है। ये गणेश भले ही गणेश जैसा दिखता हो, है तो चीनी है, ये भी आधा किलो है, और चूहा बड़े बड़े चूहे हैं ना, नहीं तो कैसे बैठेंगे। हाँ ये भी आधा किलो का है, आधा आधा किलो कितना हो गया, ये भी 100 का है, ये भी 100 का, 200 रुपये हो गया। हाँ तो हलवाई जो आधा किलो का, आधा किलो का चीनी, आधा किलो का है कि नहीं, उनके दृष्टि से चीनी है, उनके दृष्टि से हलवाई की जो दृष्टि से चीनी, लेकिन भेद है कि नहीं, गणेश और हाँ चूहे की बुद्धि है कि नहीं, वो भी है। हाँ चीनी का भी ज्ञान है, सब कुछ चीनी ही है, ये भी ज्ञान है, और ये गणेश है और ये चूहा है, द्वैत बुद्धि भी है। हाँ तो अद्वैत किसमें है, चीनी में, अद्वैत नाम रूप में है गणेश और चूहा में, दो बुद्धि है कि नहीं, है ना। तो एक एक अद्वैत बुद्धि में द्वैत बुद्धि बाधित हो जाती है, ये कहना है यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से अद्वैत ब्रह्मों को विषयकान्य वृत्ति भी, ब्रह्माकार वृत्ति भी होगी, है कि नहीं, और ज्ञाता ज्ञान बुद्धि भी होगी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ परमात्मा को, ये बुद्धि भी होगी। त्रिपुटी के साथ साथ अद्वैत ब्रह्माकार वृत्ति भी होती है, तीनों होती है ना। कहाँ पर, सविकल समाधि में तीनों वृत्ति होती है। जैसे वहाँ पर दो वृत्ति है, वहाँ पर भी तीन वृत्ति हुई, वहाँ पर भी तीन वृत्ति हुई कि नहीं हुई, ऐसे गणेश चूहा और क्या है और कौन, चीनी, हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से ज्ञाता ज्ञान गया हो जाएगा, ये सविकल समाधि में त्रिपुटी होती है। चलो ये यहाँ पर कह दिया, तत् उक्तम, ये उपदेश शास्त्र, उपदेश शास्त्री में कहा गया, दृशे स्वरूपम गगनोपम परम सकृद विभातम त्वजमेकमक्षरम अलेपकम सर्वगतम जदद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तम, विमुक्तम मिला। श्लोक उपदेश शास्त्री भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, वो आत्मा जो है दृश्य स्वरूपम, दृश्य का अर्थात चेतन, साक्षी, आत्मा का स्वरूप क्या है, चेतन स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दृश्य स्वरूपम, दृश्य स्वरूपम यस्य, जिसका स्वरूप चेतन साक्षी स्वरूप, आत्मा क्या है, साक्षी, और व्यापक है, गगनोपम न गगनम उपमा यस्य तद गगनोपम, सर्वव्यापक, मतलब आत्मा व्यापक है, आत्मा कैसा है, व्यापक है, ये क्या हो गया, हेलो क्या है, चलो क्या, किसी का फोन आया था क्या, मेरे में आया था, चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं गगनोपम, मतलब सर्वव्यापक है, सर्व व्यापक, परम माया से पर है, ये पर ब्रह्म कैसा है, परम मतलब माया से रहित है, माया से कोई संबंध नहीं और ज्ञान से कोई संबंध नहीं, सकृत विभातम सर्वदा एक रूप से है, सम प्रकाश है, सकृत मतलब सर्व ए है ना, बोले सर्वदा एक स्वरूप से प्रकाशमान है वो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा प्रकाशमान होकर रहता है कि नहीं, निर्विकार होकर रहता है। अजम और एकम अक्षरम, वो अजय है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, एक ही है, अक्षर अविनाशी है, अलेपकम इसका कोई लेप किसी के साथ नहीं होता है ना, सर्वगतम मतलब व्यापक है, यत अद्वयम है तो अद्वय है, तदेव चाहम सततम विमुक्तम, वही निरंतर मैं विमुक्त हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, विमुक्त है, नित्य मुक्त हूँ,
क्या ऐसा नहीं ज्ञान होने के बाद मुक्त होगा? ज्ञान होने के बाद मुक्त होगा कि ज्ञान होने से पहले मुक्त है? देखा जाए तो मुक्त ही है देखा जाए तो मुक्त ही है। ठीक है, समझ में ना? जैसे तुम एकदम खा पी करके सो गए, तुम्हारा पेट तो भरा है, तुम्हारा पेट तो भरा है, इसमें सपना में तुम समझते मैं भूखा हूँ, मैं कैसा हूँ, भूखा हूँ, हाँ 2 दिन से नहीं खाया हूँ, जंगल से भटका हूँ, जैसे जनक जी को हुआ, जैसे जनक जी को, जनक जी रहे सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं और जंगल में भटक गए जनक जी, हैं कहीं रास्ता नहीं मिल रही है, मार्ग नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, बहुत भूखा प्यासा है, हाँ तो कहीं आदमी मिल गया तो थोड़ा सा भोजन दे दिया, थोड़ा सा भोजन दे दिया, जब खाने लगे वहाँ से जो कोई कोई जो है हाँ कोई बैल बैल नंदी, हाँ वो दौड़ गया, या तो वो सारा बिखर गया खाने का, है ना? तो रो रहा, फिर जो है बहुत भूख के मारे रो रहे हैं, कौन? जनक जी, जनक जी रो रहे, तो रो रहे हैं तो फिर आंसू निकल गया, तो नींद खुल गई, उनको बड़ा आश्चर्य भाई, हाँ ये कौन सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है? अभी जो मैं जाग करके जग रख जगने के बाद देख रहा हूँ, मैं राजा हूँ, जनक हूँ, ये सत्य है कि सपना में जो मैं भूखा था वो सत्य है? सत्य कौन है? वास्तविक देखा जाए तो सत्य कौन है? अष्टावक्र बोलते हैं, अरे जनक ना वो सत्य है, ना तुम सत्य हो, ठीक है, ना सपना, सपनों में जो तुम समझ रहे थे कि मैं भूखा हूँ वो भी सत्य नहीं है, और अभी तो अपने को राजा समझ रहे हो ये भी सत्य नहीं है, दोनों को जो देख रहा वो सत्य है जागृत को देखने वाला, सपन को देखने वाला वो सत्य है, ये भी मिथ्या तो है जागृत, ये भी सपना है, ये बड़ा सपना है और छोटा सपना है, स्वप्न का सपना, सपना जो है वो छोटा है और ये क्या है? बड़ा है, बड़ा है, समझा? दीर्घ सपनम इदम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्धेन प्रभुनंदना कौन बोलते हैं? राम जी को जाके, ये जो है वशिष्ठ जी सुना रहे हैं किसको? राम जी को, हे राम जी ये सब जागृत कैसा है? ये बहुत बड़ा सपना है, क्या है? बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, जहाँ जाओ सपना 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 लेकिन दीर्घ है। चलो तो कहना क्या है, सविकल समाधि में त्रिपुटी रहने पर भी अद्वितीय ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति तो होती है, ये कहना है, समझ में आया? आगे देखो, अच्छा निर्विकल्पस्तु ज्ञात्रे ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षा अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारितया चित्तवृत्ते अतितरयाम एकी भावना अवस्थानम, ये निर्विकल समाधि है। निर्विकल समाधि में त्रिपुटी नहीं रहती है, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ ये भान नहीं होता है, मैं स्वयं का ध्यान करने वाले का भी भान नहीं होता है और ध्यान रूपी क्रिया का भान भी नहीं होता है, यह निर्विकल समाधि होता है, एकदम तल्लीन हो जाता है, केवल ब्रह्माकार वृत्ति तो रहती है। जैसे योग सूत्र योग सिद्धांत के अनुसार जो समाधि है निर्विकल समाधि, वहाँ पर कोई वृत्ति नहीं है, लेकिन वेदांत के निर्विकल समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ये बात कहने जा रहे हैं। देखो निर्विकल्प वस्तु ज्ञात्रे ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षा, सविकल समाधि में तो त्रिपुटी होती है ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तीनों ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये विकल्प होते हैं, कहाँ पर विकल्प त्रिपुटी कहाँ पर? सविकल समाधि में, निर्विकल समाधि में नहीं,
निर्विकल समाधि में सबका लय हो जाता है, त्रिपुटी नहीं रहती है ना। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अद्वितीय वस्तु नहीं, अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म, है कि नहीं। उस ब्रह्म को विषय करने वाली तदाकार कारितया चित्तवृत्ति, ब्रह्म को विषय करने वाली ब्रह्मकार वृत्ति, वो जो ब्रह्मकार वृत्ति है निरंतर चलती है ना। अतितराम मतलब निरंतर, एक ही भावना अवस्थानम, एक ही भावना है, ब्रह्माकार वृत्ति का ही प्रभाव चलता रहता है ना। हाँ, जिसको योग सूत्र में कहा गया स तो दीर्घ काल निरंतरियम, है कि नहीं, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये कहा ना। तदा तो जलाकार कारित लवण अनाभासेन जलमात्र अभासवत, अद्वितीय वस्तुकार कारितय चित्तवृत्ति अनाभासेन अतीय अद्वितीय वस्तुमात्रम अभासते। वहाँ पर क्या होता है, जलाकार कारित लवण अनाभास्य मानना, ये देखो, और लवण को डाल दिया जल में, हाँ नमक दिखता है क्या, नमक को डाल दिया जलक में, जल में नमक दिखता है क्या, दिखता है केवल पानी, पानी दिखता है, नमक है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं अपन जलाकार कारित है, जलाकार में कारित हो गया, लवण और क्या, वो भी जल रूप हो गया, जल मात्र भाषवत क्या दिखता है, केवल जल मात्र ही दिखता है, हो गया ना भाई। इसी प्रकार से अद्वितीय वस्तुकार कारित चित्तवृत्ति, इसे अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म, ब्रह्म का ब्रह्म को विषय करने वाली जो चित्त की वृत्ति, बस उसी का ही भान होता है। चित्तवृत्ति क्या लिखा आगे, अद्वितीय वस्तुकार कार चित्तवृत्ति अनव, अद्वितीय वस्तु चित्तवृत्ति, हाँ ठीक है, वहाँ पर वृत्ति का भान नहीं होता है ना, ठीक है। अद्वितीय वस्तुकार कारिता चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति तो रहती है लेकिन चित्तवृत्ति का भान नहीं होता है, जन्मा है ना। इसलिए चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति का भान होगा तो आप क्या हो जाएंगे, आप ज्ञाता हो जाएंगे। चित्तवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञ हो जाएगा। ब्रह्माकार चित्तवृत्ति तो होती है लेकिन वृत्ति का भान नहीं होता है, सुनते भाई ऐसा बोल रहे है ना। इसलिए कौन शेष रहेगा वहाँ पर, अद्वितीय वस्तु मात्र अभासते, किसका भान होता है, केवल अद्वितीय वस्तु का ही भान होता है, वही अपना स्वरूप है ना। ये अंतर होता है समाधि में और ये तुम्हारी योग सूत्र में, योग सूत्र में तो जो है ब्रह्माकार वृत्ति वहाँ पर क्या होती ही नहीं मानते, ब्रह्माकार वृत्ति होती नहीं है, है ना, बस मन जो है लीन होकर रहता है बस। यहाँ पर ऐसा नहीं है समाधि में, समाधि में तो ब्रह्माकार वृत्ति होती, वही अज्ञान को दूर करती है। ब्रह्माकार वृत्ति जो है ना, ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, इसलिए ब्रह्म से विशिष्ट जो चित्तवृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति से विशिष्ट जो चेतन है ब्रह्म, वो नष्ट कर देता है अज्ञान को। इसलिए योग सूत्र के समाधि के अनुसार अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो पाती है, समझे ना। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं ततश्च अस्य सुतुप्ते सुसुप्तेश्च अभेद शंका न होती। अच्छा, यदि समाधि में जाते हैं तो किसी का भान नहीं होता अभी, ना घट का ना पट का ना ये, इसी प्रकार समाधि में भी किसी का भान नहीं हो रहा है, तो फिर सुसुप्ति में गाढ़ नींद में घटपटादी का भान होता है क्या, कुछ भी भान नहीं, गाढ़ नींद में क्या है, कुछ नहीं भान होता है, और समाधि में भी किसी का भान नहीं हो रहा है, हैं, फिर दोनों समान हो जाना चाहिए। बोलते हैं ऐसा नहीं, गाढ़ नींद में जाते हो तो मन तो अज्ञान में लीन हो जाता है, मन अज्ञान में लीन हो जाता है, इसलिए मन में कोई वृत्ति
नहीं होती है। कहाँ पर? गाढ़ नींद में। गाढ़ नींद में तुम्हारा मन तरता है क्या शामदेव? गाढ़ निद्रा में तुम्हारा मन मन में कोई व्यापार होता है क्या? हाँ, सोते हो। यदि मन व्यापार हो जाएगा तो उसको गाढ़ निद्रा नहीं कहेंगे, फिर मन तुम्हारा थक जाएगा। स्वप्न में मन चलता है, स्वप्न में तुम्हारा मन चलता है, मन का व्यापार स्वप्न में होता है। लेकिन गाढ़ निद्रा में मन में कोई वृत्ति नहीं होती है। लेकिन समाधि में मन में तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। जन्म में अंतर हुआ है? अंतर हुआ कि नहीं? अंतर हुआ ना। हाँ, ये समझना है, लोग नहीं समझ पाते। अरे, गाढ़ निद्रा और समाधि का एक ही है, एक ही नहीं है? ठीक है, इसलिए बोल देता था अस्य मतलब कौन? समाधि। समाधि और सुषुप्ति में, सुषुप्ति एक नहीं है, अलग अलग है। अभी तो शंका न होती, दोनों को एक की शंका नहीं करनी चाहिए कि दोनों एक है। देखो फिर क्या अंतर है। उभयत्र वृत्ति अभाने समाने अपि। देखो, गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो कोई वृत्ति का भान नहीं होता है, न घट का ना पट किसी भान नहीं। और समाधि में भी ब्रह्माकार वृत्ति का भान नहीं होता है, फिर भी एक में वृत्ति होती है, एक में वृत्ति नहीं होती है। गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो अंतःकरण की कोई वृत्ति नहीं है, ठीक है? और समाधि में जाते हैं तो वहाँ पर भी वृत्ति का भान नहीं होता है, ब्रह्माकार वृत्ति है। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति होती है कहाँ पर? समाधि में। और यहाँ पर कोई वृत्ति, मन की वृत्ति नहीं है। कहाँ पर? गाढ़ निद्रा में। यही यहाँ पर कह रहे हैं। तद सद्भाव असद्भाव मात्रिणा अनयोर भेद अपत्ति है ना। एक में वृत्ति है, कहाँ पर भैया? समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति है, मन की वृत्ति है, लेकिन गाढ़ निद्रा में मन की वृत्ति नहीं है। अंतर हो गया ना श्यामदेव? हाँ, अच्छा। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लोगों को भ्रांति होती है ना। अरे, गाढ़ निद्रा, क्योंकि लोगों को भ्रांति होती है ना। अरे हाँ, क्योंकि समाधि और क्या है? समाधि कहो, गाढ़ निद्रा कहो, एक ही चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं है, सो रहे हैं। तो देखो भाई, श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि, ये ज्ञान के साधन है, ज्ञान के साधन। लेकिन ये ज्ञान के अंतरंग साधन क्या है? ये ज्ञान के अंतरंग साधन। इससे ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक साधन है, उसको बोलते हैं बहिरंग साधन। पहले बहिरंग साधन होता है, उसके बाद अंतरंग साधन। समझ में कि नहीं? पहले बहिरंग साधन करो, प्रथम क्लास का पाठ पढ़ो पहले, बाद में पहुँचोगे क्रम से दसवीं क्लास तक, है कि नहीं? इसलिए अस्य अंगानी, अस्य मतलब किसके? समाधि। पहले श्रवण, मनन, निध्यासन, उसके बाद समाधि। कौन समाधि? निर्विकल समाधि। अस्य कहने से निर्विकल समाधि। अस्य अंगानी, देखो पुस्तक में, अस्य मतलब इसके, किसके? निर्विकल समाधि। निर्विकल समाधि के अंग मतलब साधन। साधन क्या है भाई? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, ये हो गए अंग। अंग क्या है ये? अंग अंग मतलब ये करेंगे तो समाधि होगी, इसके बिना समाधि नहीं होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और क्या है? समाधि। यहाँ पर समाधि शब्द से सविकल समाधि। पहले सविकल समाधि होगी, फिर उसके बाद निर्विकल समाधि होगी। ये निर्विकल समाधि का हेतु कौन होगा, अंग कौन होगा? सविकल समाधि। यम नियम क्या है भैया? देख लो, तत्र यम क्या जानते हो? यम, यम जमराज जी नहीं बोल रहे, यम मतलब देखो ये। मिला तुमको? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः, मिला? अरे क्यों नहीं मिलती तुमको पंक्ति?
नहीं मिला तुमको? हे भगवान, क्या हुआ? मोटे मोटे देख लो ना, देख लो, मिला? तत्र अहिंसा, पहला हो गया अहिंसा, है ना? क्या है अहिंसा? मतलब शास्त्रीय दृष्टि से, मतलब अशास्त्रीय दृष्टि से, अशास्त्रीय दृष्टि से किसी को पीड़ा ना दो भैया। अहिंसा मतलब ये नहीं समझ रहे, किसी को पीड़ा ना हो। तो फिर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो हिंसा है कि अहिंसा? डॉक्टर किसी को ऑपरेशन करता है तो पीड़ा होती कि नहीं होती है ना सामने? वो हिंसा क्यों हिंसा है? हाँ, इसलिए किसी को पीड़ा बिल्कुल नहीं देना, इसी का नाम अहिंसा नहीं समझना है। अशास्त्रीय दृष्टि से कि वही डॉक्टर यदि किसी का गला काटेगा तो वो क्या हिंसा है? गला काटना तो बहुत दूर है, चाकू भी दिखा देगा तो वो हिंसा हो जाएगी। ये समझना है, ठीक है ना? ऐसे माता है, माँ माँ डांटती है कि नहीं बच्चे को? हिंसा है क्यों हिंसा है? हिंसा हाँ, हिंसा वो डांटती है, क्यों डांटती है? उसकी हित के लिए डांटती है, तो हिंसा है क्यों हिंसा है? अहिंसा है, क्योंकि हित के लिए है ना। गुरु जो डांटता है शिष्य को, चेले को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। और क्या? तो एक आदमी थे, एक था वेदांत पढ़ रहा था भैया। गुरु जी उनको बार बार कह रहे थे, अरे वेदांत पढ़ो, वेदांत पढ़ो, हैं थोड़े ज्ञान सीख लो, वेदांत उपनिषद का अध्ययन करो, ये कर्मकांड में क्यों लगे हो? कर्मकांड में लगे हो, तो साधु थे ना वो, चेला साधु था, लेकिन नहीं मान रहा हो, कर्मकांड में लगा है वो। किस में लगा है? कर्मकांड में लगा है, मान नहीं रहा है गुरु जी की बात को। गुरु जी एक दिन उसके उंगली को पकड़े और एक उंगली काट दिए। क्या? एक उंगली, जाओ ऐसे पकड़े उसको चाकू से काट दिए। क्या है? किसको काट दिए? क्या काट दिए? जी अंगूठी को, काट अंगली को काट दिए। बोले जाओ कर्म करते रहो अभी, क्योंकि ये जो अंग 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 कट गया ना, है कि? तो अंग कट गया है तो वो कर्म में उसका अधिकार नहीं होता, फिर यज्ञ कर्मों में, जागादि कर्मों में अधिकार नहीं होता है। आप विचार कर लो, गुरु जी उसके ऊपर हिंसा किए कि अहिंसा किए? सर अहिंसा है, क्यों? उनको तो ज्ञान में लगाना है ना। इसलिए वो हिंसा नहीं, अहिंसा है, ये समझ लो। ये तुम भी काटो किसी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना? वो तो गुरु चेले की बात है भी, तो है ना, ऐसा होता है अहिंसा। और उसके बाद क्या है? अहिंसा के बाद सत्य, अहिंसा सत्य। सत्य मतलब क्या है? हैं तो सत्य मतलब क्या? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अनृतम च प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, ऐसे धर्म सनातन। जो वस्तु जैसी है ऐसी बोलो, लेकिन पीड़ा ना हो किसी को। किसी अंधे को अंधे बोल दिया तो पीड़ा होगी कि नहीं दूसरे को? वो सत्य नहीं हुआ, वो दुख होता है ना। आइए सूरदास जी, ऐसा बोलो। नहीं तो कोई क्यों बोलता है, अरे हम तो जो भी हो सामने बोलते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हम क्या करें, हम तो सामने बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या है, सत्य है ये? ऐसा नहीं है ना? तो यथार्थ भाषण हो और हितकारी हो, हैं हितकारी हो, हाँ सुखकारी हो, ये होता है सत्य। और अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। केवल चोरी नहीं करने का नाम नहीं, चोरी नहीं करने का नाम अस्तेय नहीं समझना है। हाँ, जो अग्राह्य वस्तु है,
जो शास्त्रीय वस्तु नहीं है हाँ उसकी तो इच्छा ही नहीं रखना बस। क्या क्या समझा? इसी का नाम अस्त्य। चोरी चोरी करने को अस्त्य बोलते हैं, चोरी नहीं करने को अस्त्य नहीं बोलते, लेकिन चोरी नहीं करने का नाम केवल अस्त्य नहीं समझना है। जो अशास्त्रीय वस्तु अशास्त्रीय धन हाँ उसकी इच्छा करना ही नहीं बिल्कुल, ये भी है, ये भी अस्त्य है। ठीक है समझ में आ रहा है? समझे? कभी कभी मन में आ जाता है ना, अरे इतना धन हाँ बढ़िया वस्तु है उसको भी नहीं उठाना है, ये भी है। योग सूत्र में बड़ा सुंदर विचार है, मन में सोचना ही नहीं है, जो उठाना तो बहुत दूर है, मन में सोचना ही नहीं है यही कि नहीं? कभी कभी मन में हो जाता है, अरे हैं तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा ना, ये अस्तय होता है। ठीक है भैया। अच्छा उसके बाद क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो आप जानते हो ब्रह्मचर्य है ना, अष्टविध मैथुना वर्जनम ऐसा आता है ना, अष्टविध मैथुना वर्जनम, ये ब्रह्मचर्य है। जानते हो क्या है? कि स्मरणम कीर्तनम केली प्रक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतत् मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्यम् एतदेव अष्टलक्षणम्। ये देखो ब्रह्मचर्य आठ लक्षण है ब्रह्मचर्य के, हैं शंभु? ब्रह्मचर्य के कितने लक्षण हैं मालूम है? आठ हैं। देखो इससे जो भिन्न हो वो होगा ब्रह्मचर्य। किससे भिन्न? देख लो स्मरण, किसी स्त्री का चिंतन करना, स्त्री का स्मरण करना, ये भी क्या है? ये भी नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना, ये ब्रह्मचर्य है। क्या क्या छोड़ना है? स्मरण नहीं, स्मरण कीर्तन, किसी का नाम भी ना लो, क्या किसी स्त्री का नाम भी ना लो, है नाम सुनते ही भी मन में इच्छा हो जाती ना नाम भी नहीं लेना। और क्या है? केली, उसके बाद खेल कूद करना, केली उसके बाद खेलना है ना, उसको देखना प्रेक्षण, फिर उसके बाद एकांत में भाषण करना गुह्य भाषण है कि नहीं, फिर संकल्प करना मन में वो मिल जाए, वो स्त्री मिल जाए, ये वो भी नहीं करना है, निश्चय करना वो मिले मुझे, निश्चय भी नहीं करना है कि नहीं, और उससे संबंध नहीं करना, ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य होता है। देखो कितना सूक्ष्म है, मन में सोचने में पर भी हो जाता है, जितना सोचोगे मन उसके प्रति फिर राग हो जाएगा। ध्याया तो विषयानुपुंस, विषय का हाँ है कि नहीं, संगस तेसु पजायते, विषय का हाँ बिजा जाते, हाँ ये होता है ना गीता में आया। ठीक है चलो, उसके बाद देखो नारायण ब्रह्मचर्य होगा अपरिग्रह, है परिग्रह नहीं करना बस, जितना आवश्यक उतना ग्रहण कर लो बस, है जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह के लिए उतना ग्रहण करो, उससे अधिक ग्रहण ना करो, या तो चिंता रहेगी कि नहीं, क्या चिंता रहेगी नहीं, कहाँ रखेंगे भी उतना चिंता रहेगी ना, है भाई कोई साधक के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा का ध्यान के लिए तुम बैठे हो कुटिया में, हैं और कुटिया में बढ़िया मालजाल रखे हो, किसका ध्यान करोगे? परमात्मा का ध्यान करोगे, मालजाल का ध्यान करोगे उसी का ही चिंतन करोगे तुम, परमात्मा का क्या ध्यान करोगे इसलिए बोल रहे ये सब क्या हो गए? यमा। उसके बाद नियम है, उसके बाद क्या है? नियम। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये नियम होता है। शौच वाला शुद्धि, बाह्य शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, ये स्नान वगैरह ये बाह्य शुद्धि हो गई, अरे जप वगैरह ये अंतर शुद्धि हो गई, प्राणायाम वगैरह हो गया, अभी समझ लो। संतोष मतलब क्या? संतोष रहना हमेशा, लोभ नहीं करना,
संतोष जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहेगा। क्यों? जितना मिल जाए अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष। और तप करना है, तप भी करना पड़ता है, व्रत वगैरह ही तप करते हो। स्वाध्याय है, स्वाध्याय से यहाँ पर क्या है, जो पढ़े हो उसका पारायण करो। अब मंत्र के जप को भी स्वाध्याय बोलते हैं, मंत्र का जो जप है उसका नाम भी स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्रणिधानानी, ईश्वर की भक्ति, ये सब क्या है, नियम में आ जाएगा। नियम नियम यम हो गया, नियम हो गया, उसके बाद आसन। बस इतने में रखते हैं इसको। कल अष्टमी है ना? हाँ, परसों करेंगे, थोड़ा सा है, एक दो दिन का पाठ है।